सीक्रेट मंडे स्टोर में होगा बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि ऋषिता को छोड़कर देव घर तो आ जाता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसी ऋषिता पर अटक जाता है और वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन परिवार का भी साथ नहीं छोड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर ड्रामा तो होगा ही। देखने को मिलता है कि देव को अकेला देख यहाँ पर शिवा और गोम भी उसे साथ देते नजर आते हैं और दोनों इनके साथ सोए नजर आते हैं। तीनों ही भाई यहाँ पर उसको अकेला महसूस नहीं होने देते, तो वहीं देखने को मिलेगा कि धरा इन तीनों भाइयों के बीच में जो दूरियां बट रही होती हैं उसके चक्कर में बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाती है और जाकर उन्हें उड़ाएगी और इन तीनों को संभालते नजर आएगी उनके सोने के बाद। वहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ऋषिता यहाँ से चली तो गई है, लेकिन देखने को मिलेगा कि देव का बिल्कुल भी ध्यान घर पर नहीं है और अब वो ऋषिता के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो ऋषिता यहाँ से चली गई, इस बात से शिवा और देव के बीच में काफी बड़ा झगड़ा देखने को मिलेगा। देव भड़क जाएगा और कहेगा कि तुम लोगों को तभी समझ में आएगा जब यहाँ मैं भी ऋषिता के साथ नहीं, वहाँ उसी घर में शिफ्ट हो जाऊंगा और घर छोड़कर चला जाऊंगा। जिसके बाद शिवा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर देव के दिलो दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, और वो ही उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते नजर आएगा और कहेगा कि मैं धरा भाभी के साथ हूँ और मैं हमेशा धरा भाभी के साथ ही रहूंगा। तो देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर धरा का तो शिवा कभी साथ नहीं छोड़ने वाला है और वो हमेशा अपनी भाभी को माँ की तरह ही देखता है और वो उसे हमेशा सही मानता है, सच मानता है कि वो कभी गलत नहीं कर सकती। लेकिन देव को ये बात समझ नहीं आएगा क्योंकि वो अपने बच्चे के प्यार में इतना पागल हो चुका है। अब देखते हैं कि इन भाइयों के बीच में आई दूरियां कैसे धरा मिटा पाती हैं।